नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनसे मैं आपको मिलाऊंगा, क्योंकि इनका आया है एक नया गाना, जुबनिया जलेबी। अजय जी और रानी चैटर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले आपके शब्दों में गाना जुबनिया जलेबी। हमारा गाना आया है, चूँकि सब जानते हैं कि मेरा आज एक गाना रिलीज़ हुआ है, मेरा पहला हिंदी गाना है जुबनिया जलेबी। अजय सर ने प्रोड्यूस किया है, अपेक्षा म्यूजिक पर आया है। तो गाइस प्लीज़ देखिएगा, बहुत अच्छा गाना है, बहुत डांसिंग नंबर है। अजय जी, लगातार आप बहुत सारे गाने, हर दो तीन महीने में एक गाना आपका आ जाता है, क्या टारगेट रखा है? मतलब कभी रानी जी के साथ करते हैं, और भी लोगों के साथ आपने किया है, आपकी बात। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ रानी जी को कि हमारा, उन्होंने पहला हिंदी गाना किया, उनका सॉरी पहला हिंदी गाना हमारे साथ में हुआ, तो वी आर ग्रेटफुल टू दैट। थैंक यू सो मच सर। अब उसके बाद बताइए, क्या डिज़ाइन किया है कुछ, कि गो विद द फ्लो जा रहा है, कि जो लोग मिल रहे हैं, जो गाना आ रहा है? नहीं नहीं सर, प्लानिंग करके कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके। क्या कुछ डिजाइन किया है सर? नहीं, आगे और भी इनके साथ करें, रानी जी के साथ में और भी दो गाने, और भी सर के बहुत धमाकेदार गाने आने वाले हैं, और इससे बड़े गाने आने वाले हैं। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सब मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, आपके शब्दों में ये गाना जो आप बताना चाहते हैं, बहुत मज़ेदार गाना है, इसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जब गाने आप बनाते हैं, आपकी क्या क्या इनपुट्स होते हैं, कि किस तरह के लिरिक्स होंगे, क्या कितना इन्वॉल्वमेंट आपका? जी हाँ, नहीं सब, हर एक चीज़ पर हम सब डिस्कस करते हैं बैठ के, देन वी प्रोसीड। ओके जी। रानी जी, बहुत सारे ड्रेसेस आपने चेंज किए हैं, कितने किए आप? तीन ड्रेसेस हमने इसमें चेंज किए हैं। आपका कौन सा फेवरेट था इसमें? वैसे मुझे तीनों लुक ही बहुत पसंद आए, चूँकि जुबनिया जलेबी थोड़ा सा ट्रेडिशनल टोन वाला सॉन्ग है, तो हमने थोड़ा ट्रेडिशन भी इसमें ड्रेस पहनी है, थोड़ा वेस्टर्न ड्रेस भी पहनी है, बट मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस गोल्डन कलर की जो मैंने ड्रेस पहनी है, वो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस। आप तो खुद ही मतलब कोरियोग्राफर से आप कम नहीं है। कोरियोग्राफर ने जो मुझे स्टेप्स दिए, मैंने उसी को फॉलो किया है। स्टेप बहुत स्मूथ रखे हैं हमने, ताकि इस गाने को जो भी डांस करना चाहे इस गाने पे, वो उन स्टेप्स को कर पाए। बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं रखे हैं। यस, अगर बच्चे भी करना चाहे तो बच्चे भी कर सकते हैं, और बूढ़े करना चाहे तो बूढ़े भी कर सकते हैं। इतने स्मूथ स्टेप्स रखे हैं हमने इसमें। देखिए, ऐसा नहीं है कि अजय जी ने ही आपको गाना हिंदी में ऑफ़र किया हो, तमाम आप आते होंगे, क्या वजह थी कि जुबनिया जलेबी को आपने तुरंत हाँका? क्योंकि जुबनिया जलेबी जो थी, जुबनिया जलेबी मैं थी, मतलब इस गाने में सिर्फ मैं हूँ। गाने से कई बार ऑफ़र्स हुए हैं, मेल सिंगर्स के साथ ऑफ़र हुए हैं, बट मुझे ऐसा था कि जब मेरा गाना आए तो फिर वो मेरा गाना कहलाए, वो कहीं किसी के नाम के इसमें मैं वो फीचर ना करूँ, सिर्फ फीचर करती ना रहूँ, बट ये गाना मेरा अपना था, सो दैट्स वाई मैंने इस गाने को हाँ कहा। और जुबनिया को आप कैसे बनाती हैं? मतलब बहुत स्टाइलिश है, गांव का भी लुक देती है, और वो जो भोजपुरी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो टोन भी देती है, और मॉडर्न। एक्चुअली इस गाने में ध्यान रखा गया है कि आई बिलोंग टू भोजपुरी एक्टर, सो थोड़ा सा भोजपुरी टच भी रहे, और चूंकि गाना आपने सुना तो थोड़ा सा राजस्थानी टच सॉन्ग लगा, तो डिज़ाइनर का एक था कि हमको थोड़ा सा ग्लैमरस भी दिखाना है, और थोड़ा ट्रेडिशन को भी फॉलो करना है, तो हमने मिक्स रखा है इसमें, और आई थिंक तीनों ही लुक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं गाने के। तो इस गाने का टारगेट क्या है, मतलब होली? नहीं, टारगेट ये है पब्लिक को एंटरटेन करना है। देखिए, आजकल त्यौहार नहीं है, होली का त्यौहार है। देखिए, होली में इतने गाने आ रहे हैं, होली में चूँकि होली के सॉन्ग ज़्यादा आते हैं, और होली एक ऐसा टाइम है कि हर काम करने वाला आदमी अपने घर जाता है, थोड़ा फ्री रहता है, छुट्टियों का दिन होता है, और गाने बजाने का दिन होता है, आप कह सकते हैं भांग वांग पी के लोग होली में डांस वांस करना पसंद करते हैं, दैट्स वाई होली चुना गया। और जुबनिया जलेबी ऐसा गाना है जो मुझे लगता है कि सिर्फ होली ही नहीं, आई थिंक शादी, डिस्को, हर जगह गाना बज सकता है, तो दैट्स वाई होली में इस गाने को। कहाँ शूट हुआ है और कितने दिन में शूट हुआ है? देखिए, हमने इस गाने को एक दिन में शूट किया है, बहुत हैटिक था, तीन चेंजेस थे, लेकिन हम लोग इतने प्रिपेयर होके सेट पे पहुँचे थे, डीओपी हो या फिर डांसर्स हो या मैं हूँ, पूरी रिहर्सल्स के साथ हम पहुँचे थे, तो हमें सेट पे बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमने एक दिन में इस गाने को शूट किया, और ये गाना हमने मुंबई में शूट किया है। यहाँ इस गाने की रिहर्सल्स पे एक हादसा हो गया था मेरे साथ, मैं गिर गई थी, मेरे पैर में मोच आ गई थी, और गाना दो दिन बाद ही शूट होना था, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मैं पहला गाना है और मैं अपना पूरा 100% देना चाहती थी,
काफ़ी नर्वस थी और मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शूट डिले हो जाए, चूँकि पहला हिंदी गाना है तो मैं चाह रही थी कि बहुत जल्दी जल्दी शूट हो, बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ हो जाए। बट हमारे जो सर हैं अजय जी और जो टीम है उन्होंने कहा कोई नहीं, आप अगर थोड़ा धीरे भी डांस कर लेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पैर को काफ़ी मैंने रेडी किया कि चलो, अब पूरी रात हमने शूट किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से शूट हुआ है। और मेरा जो ट्रेडिशनल लुक है वो लहंगा इतना ज़्यादा भारी था कि उस पर डांस करना ही अपने आप में एक जंग थी मेरे लिए, बट मैंने कर लिया। करियर में ये गाना तो हम देख रहे हैं, करियर में और क्या कुछ चल रहा है, क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ कर रही हैं, कहाँ कहाँ बात चल रही थी जो आप बता सकती हैं? देखिए, मैंने अपने आप को पूरी तरह से ओपन रखा हुआ है। मैं फिल्म्स भी करूँगी, मैं टीवी भी करूँगी, मैं एल्बम्स भी करूँगी, मैं वेब सीरीज़ भी करूँगी। मेरा पर्पस एक ही है कि लोगों को एंटरटेन करना है। चूँकि जो मेरा करियर अभी करीबन अभी 20 साल होने वाला है मेरे करियर में, तो अभी वैसी थॉट्स नहीं है कि मेरी ये मंजिल है या मेरी वो मंजिल है। मंजिल सिर्फ एक है, लोगों को एंटरटेन करना है। एक एक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है बाद में कि लोग आपको जब तक देखना चाहते हैं मुझे, तब तक मैं लोगों को एंटरटेन करूँगी। सो अभी सब कुछ मिक्स चल रहा है मेरी लाइफ में। जैसे आपने मेरा एल्बम देखा, मेरी दो सीरीज़ ऑन फ्लोर है, 3 फिल्में ऑन फ्लोर हैं रिलीज़ के लिए, मैं बहुत जल्दी टीवी में डेब्यू करने वाली हूँ। सो एवरीथिंग इज़ यू नो, सब मिक्सअप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। देखिए, 2 दशक आपने बताया, 20 साल आनी चाहिए। हाँ, अभी होने वाले हैं 20 साल। 20 साल हो जाएंगे। अगर कुछ खास शब्द हैं और वो प्यार जो दर्शकों को अपने शब्दों में लौटाना है, वो कौन से शब्द होंगे? इन 2 दर्शकों को किन शब्दों में याद करती हैं, क्या कहेंगी? मैं दर्शकों को ही नहीं, मैं पूरी इंडस्ट्री को, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स जैसे आप हो गए, रिपोर्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे करियर में, हमेशा मेरी अच्छी अच्छी खबरों को उन लोगों ने लोगों तक पहुंचाया है। तो ओवरऑल शब्द नहीं है मेरे पास, एग्जैक्टली जो शब्द होते हैं वो है नहीं। लेकिन मैं सिर्फ मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था किसी मंच पे कि ये ऐसा कर्ज है जो शायद मैं नहीं उतार पाऊँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी। मैं आउटसाइडर हूँ, मैं अपने पूरे ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो फिल्म लाइन में है, जिसे कुछ पता नहीं था। लेकिन ऑडियंस ने और इंडस्ट्री ने इतना काम दिया, इतना प्यार दिया, ये सिर्फ एक कर्ज है मैं जो चुका नहीं सकती कभी। आप पिछले 2 साल से, हम लोग आपकी शादी की बात करें, आपकी माँ भी बड़ी चिंतित, मतलब इंडस्ट्री रिपोर्टर्स आप लोग को बड़ी चिंता है, आप लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे मैं शादी कब कर रही हूँ और आप हर बार एक खबर दे देती हैं कि आप हाँ करने वाली हूँ, ये अक्सर मेरा, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी हूँ ना इस सवाल से कि मैं क्या बोलूं कि हाँ करने वाली, करना तो है ही शादी कभी ना कभी, लेकिन मैं कब करूंगी, किससे करूंगी, मुझे ही नहीं पता है। तो आई थिंक जब करूंगी तब पता चल जाएगा। तो आपने कहा था बीच में साथी मिल गया आपको, जीवन साथी, कब कहा था मैंने? क्या मैंने ऐसा कहा था कि मुझे साथी मिल गया है? मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं बताऊंगी नहीं। नहीं, मैंने हाँ मैंने ये कहा था कि बातचीत चल रही है और हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी बताऊँ। हाँ, ऐसी बातचीत बहुत चलती रहती है, कुछ सीरियस नहीं था। ये पॉलिटिक्स का क्या रूमर है आपके, या सच है, क्या है? नहीं, एक्चुअली बीच में मैंने प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की थी इलेक्शन से पहले, यूपी इलेक्शन से पहले, और उन्होंने मुझे अपना कैंपेन सौंपा था यूपी का। तो बस लोगों को लगा कि मैंने ज्वाइन कर लिया है या मुझे टिकट मिलने वाली है, और लोगों ने ट्रोल भी बहुत किया मुझे इस बात के लिए। जो हमारे जो दर्शक हैं, जो बीजेपी दर्शक हैं, उन्होंने बहुत ट्रोल भी किया था, बट उनको सच्चाई ये नहीं पता थी कि मैं कोई टिकट नहीं ले रही थी या मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ एज एन एक्टर, एक सेलिब्रिटी के तौर पे, मैं स्टार प्रचारक थी मैं, और चूंकि रिजल्ट आ ही चुके हैं तो जहां जनता है वहां मैं। बिल्कुल, तो क्या बधाई देंगी आप बीजेपी में, आपके दोस्त हैं आपके? बिल्कुल, मैं बिल्कुल, रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, मनोज जी हैं, और योगी जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो दिखता है नज़र आता है, और दर्शक जो हैं उनको इतना प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी यूपी और बिहार का बहुत अच्छा विकास होगा। योगी जी हमारी भोजपुरी फिल्मों के लिए भी ज़रूर कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, कुछ कमेंट्स अब हम लोग इससे लेते हैं, सोशल मीडिया है। कमेंट्स पर तो सिर्फ ज़्यादातर लोग गालियाँ लिखते हैं। नहीं, आपको तो बहुत, देखो आपको एक तो बधाई, बहुत वाओ। हाँ, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया इस गाने के लिए। आग ही आ गए यहाँ पे, यू रॉक डाली, यू रॉक, लगा दी आग, लगा दी आग।
गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल. एक्चुअली लोग ना मेरा डांस देखना बहुत पसंद करते हैं, तो जब भी डांसिंग नंबर मेरा आता है लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग बहुत प्यार देते हैं. मुझे पूरा उम्मीद है कि गाना लोगों को पसंद आएगा. और चूँकि अभी एल्बम का ज़माना है, इतना ज़्यादा म्यूज़िक का ज़माना है, हर वीक लोगों को नया सॉन्ग चाहिए क्योंकि रील्स भी बनाने होती हैं लोगों को, तो हर म्यूजिक उनको हर हफ्ते नया गाना चाहिए. तो आई थिंक हमारा जो बन गया कमेंट पढ़ती हैं आप? हाँ कभी कभी मतलब रिप्लाई करती हैं लोगों को सम टाइम. तो कुछ कमेंट में से एक दो ले लेते हैं. जैसे एक ज़्यादातर बधाई के हैं, आपको प्यार मिल रहे हैं. एक है कि रानी जी निराश हूँ आपके सॉन्ग जो बनिया जलेबी से, जो एक्सपेक्टेशन था वैसा सॉन्ग नहीं है. क्या मतलब जिप जाने का जब बॉडी जब बॉडी एक्सपोज नहीं करनी. मैं उन सज्जन से कहना चाहूँगी कि जिम जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका टारगेट है बॉडी एक्सपोज करना. हर फिल्म में या हर किरदार में या हर गाने में एक्ट्रेस ग्लैमरस लगनी चाहिए, सेक्स अपील होना चाहिए. वो बॉडी दिखाने से नहीं होता है. कई लोग बिकनी में भी आते हैं बट वो हॉट नहीं लगते हैं, और कई औरतें साड़ी में रहती हैं वो हॉट लगती हैं. तो इट्स मतलब ये एक सेक्स अपील होना चाहिए, ग्लैमरस होना चाहिए. और मुझे लगता है कि मैं गाने में ग्लैमरस लग रही हूँ तो काफ़ी है. बिल्कुल लग रही हैं. और था कि लास्ट वाले ड्रेस में ही कर लेती पूरा सॉन्ग. अरे लास्ट वाले ड्रेस में गाना कर लेती तो लगता कैसे कि हमने मेरा पहला गाना आया है. अब भी आप प्रेशर लेती हैं कि जिम जाना है अपने को टोन? बहुत जीरो साइज का प्रेशर नहीं लिया है मैंने, क्योंकि मेरी शूटिंग्स इतनी ज़्यादा गांवों की तरफ होती है. यूपी बिहार में मोस्टली जिम बहुत ज़्यादा नहीं है. मेरी कोशिश है कि मैं अपने ही तरफ से कुछ जिम को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करूँ, खासकर यूपी बिहार में, क्योंकि वहाँ जिम नहीं है. तो जब भी मैं शूट पर जाती हूँ तो मेरा जिम रूटीन बिगड़ जाता है, और इन दिनों बहुत बिगड़ा हुआ है जिम रूटीन. बट मेरी कोशिश है कि मैं वापस एक बहुत ही फिट बॉडी से आऊँ और मेरा बहुत अच्छा फोटोशूट लेकर आऊँ. फिट बॉडी का फिटनेस फोटोशूट मैं लाना चाहती हूँ, उसके लिए मेहनत चल रही है. क्या बात है, क्या बात है. और ये जो बॉडी शेविंग करने वाले लोग हैं उनको आप कहेंगी क्या, और ये आपको कितना प्रभावित करती है इनकी बातचीत? मुझे कोई भी बुरे कॉमेंट्स प्रभावित नहीं करते हैं. अगर मेरी फैमिली के लिए कॉमेंट्स आते हैं तो मुझे प्रभावित करते हैं, जो आई थिंक किसी को भी प्रभावित करेंगे. बाकी मेरे लिए जितने भी कॉमेंट्स आते हैं मैं उनको पढ़ती हूँ, और खासकर जब बॉडी शेमिंग करते हैं तो मैं उनको पढ़ती हूँ. सोचती हूँ कि ये वो लोग लिखते हैं जो शायद 12 बजे उठते होंगे और खूब खाना खाते होंगे और फिर आते होंगे सोशल साइट पे कि चलो आज किसको लिखा जाए, लिख के फिर खाकर सो जाते होंगे. आई थिंक ये वो लोग होते होंगे जो लाइफ में बिज़ी होगा ना, जो सवेरे उठेगा अपनी रूटीन में बिज़ी रहेगा, और जो जानता होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है अच्छी बॉडी के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता पहली बात. तो आई थिंक वो बेचारे हैं तो उनको करने दो. बिल्कुल. जाते आते होली की बात करेंगे, क्योंकि बिना आपकी बधाई के भोजपुरी इंडस्ट्री वालों की होली हो नहीं सकती. क्या कहेंगी, कैसे मनाने वाली हैं, और क्या क्या आप करती हैं हुड़दंगई? होली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है. और गुलाल की जगह इतना ज़्यादा रंग पोत के जाते हैं कि वो छोड़ने में दो दिन लग जाते हैं. बट होली मैं मनाती हूँ, गुलाल के साथ मनाती हूँ, और होली में जो पकवान बनते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करते हैं. गुचिया वगैरह जो बनती है मुझे बहुत पसंद है. इस बार होली मैं उड़ीसा में मनाऊंगी, अपने फैंस के साथ मनाऊंगी, और आई थिंक हमेशा की तरह वही गुलाल लगा के सारा रारा होली है ऐसा वाला. कोई होली जो याद रह गई हो भांग की वजह से? याद है. सुना दीजिए. एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगी इस पर क्योंकि अलग चैनल है, लेकिन एक बड़ा चैनल है जिन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था हम सब एक्टरों के लिए. और मैं ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी होली इवेंट में गई थी. मैंने उससे पहले होली खेली भी नहीं थी कभी. तो इन लाइव चल रहे थे हम लोग टीवी पे, ढोल बजाना सब कुछ, डिस्को उसको चल रहा था. आई थिंक ये बात 2008 की होगी. तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा रानी जी डांस हो जाए होली का. डांस करते करते उन्होंने कहा रानी जी ठंडा ही हो जाए. अब ठंडाई जो मैंने पी है लाइव में, अब मना तो नहीं कर सकते वही लाइव.